इंदौर के वार्ड क्रमांक 63 में कांग्रेस नेताओं ने निकाली नगर निगम की शव यात्रा। कांग्रेस नेता हिमांशु यादव ने बताया कि नगर निगम वाले भाजपा सरकार में गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। व्यापारियों को ठेला चलाने वाले छोटे दुकानदारों, सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है और उनके सामान की जब्ती कर उन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा है। वहीं बीते दिनों बुजुर्गों के अपमान के मुद्दे को लेकर भी हिमांशु यादव ने भाजपा व निगम के खिलाफ कटाक्ष किए हैं। इसी कड़ी में वार्ड 63 सपना संगीता क्षेत्र के पीछे कांग्रेस नेता हिमांशु यादव के नेतृत्व में नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और निगम की शव यात्रा निकाली गई। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। आपने विरोध प्रदर्शन किया निगम के खिलाफ, क्या था? हमारे देखने में पिछले कई दिनों से आए दिन ये देखने में आ रहा था कि नगर निगम की गुंडागर्दी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि नगर निगम अपने चालानी कार्रवाई के कारण व्यापारियों का सामान भी अपनी गाड़ियों में जबरदस्ती भर लेते थे। दादागिरी के बल पे फुटपाथ पे जो रोजगार कर रहे हैं, अपना छुटमुट रोजगार कर रहे थे, जो अपना पेट पाल रहे थे, उन्हें कभी देखो तो लातों से मारा जाता था। लेकिन नगर निगम द्वारा अब की बार तो हद ही कर दी कि शहर के जितने भी गरीब बुजुर्ग लोग हैं, ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर उनको गाड़ी के अंदर एक जानवरों की तरह ठूस के ले जाना और शिप्रा नदी के किनारे छोड़ के आना, ये कहीं ना कहीं बहुत एक शर्मनाक हरकत की नगर निगम द्वारा। ये हमारे इंदौर की संस्कृति को धूमिल करने का काम किया गया नगर निगम के द्वारा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उन सारे कर्मचारी और नगर निगम के जितने अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबके ऊपर FIR की जाए। आपने प्रदर्शन भी किया है, किस तरह का प्रदर्शन किया था? नगर निगम की इस हरकत के विरोध में, जो उन्होंने बुजुर्गों के साथ जो हरकत करी थी उसके विरोध में आज हमने वार्ड क्रमांक 63 में शव यात्रा निकाली नगर निगम की, जो पूरे वार्ड के अंदर घूमी। आपका परिचय? हिमांशु यादव, पूर्व शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।